Hey guys, welcome or welcome back to our channel. So this is the final episode of Aurangabad series and हम लोग आज पहुंच गए हैं World Heritage Site which is Ajanta Caves. Ajanta Caves आने के लिए आपको औरंगाबाद से बस लेनी है एंड वो आपको MTDC रिसोर्ट अजंता पे उतारेगी. उसके बाद आपको यहाँ पे एक मार्केट दिखेगी जहाँ पे आप आराम से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो. अंदर भी केव्स में भी MTDC का एक रेस्टोरेंट है बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो मेक श्योर कि आप पहले से ही कुछ खा लो. खाने पीने के बाद अब यहाँ पे आपको शटल बस लेनी है. अगर आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी लाइन मिलेगी. अगर जल्दी सुबह पहुँच जाते हो तो बिल्कुल भी लाइन नहीं मिलेगी. यहाँ पे दो टाइप की शटल बस हैं, एक है एसी एक है नॉन एसी. एसी के जो प्राइस हैं वो हैं 60 रुपीज़ एंड नॉन एसी के प्राइस हैं 30 रुपीज़. काफ़ी लोग यहाँ से चल के भी जाते हैं बट आई वुड रिकमेंड कि आप बस से चले जाओ. 10 मिनट लगेंगे बस को वहाँ तक पहुँचने में. एंड जैसे ही आप केव्स में बाहर पहुँच जाओगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा. केव्स के बाहर सारी इन्फॉर्मेशन है. उसके बाद यहाँ पे जो है गाइड भी अवेलेबल है बट अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड उसके जो प्राइस हैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे. यहाँ पे लॉकर भी अवेलेबल है. अगर आपके पास खूब सारा सामान है तो आप लॉकर में भी रखवा सकते हो. टिकट्स जो हैं केव्स के लिए वो है 40 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड 600 रुपीज़ फॉर फॉरनर्स. उसके बाद यहाँ पे अगर आपको केव्स के बारे में जानना है तो आप ये बुक भी ले सकते हो अगर आप गाइड नहीं ले रहे हो. तो चलते हैं केव्स के लिए. केव्स में जाने के लिए आपको काफ़ी सारे स्टेयर्स ऊपर चढ़ने पड़ते हैं. ऊपर जाके केव है. अगर आप चढ़ नहीं सकते, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे पालकी भी ले सकते हो. पालकी भी यहाँ पे अवेलेबल है. अजंता केव्स के जो टाइमिंग्स हैं वो हैं 9 AM टू 5:30 PM एंड मंडे में ये केव्स जो है मेंटेनेंस के लिए बंद रहती हैं. मेक श्योर कि आप यहाँ पे जो है स्लिपर वगैरह पहन के आएँ बिकॉज एवरी केव में जाने से पहले आपको उतारने पड़ते हैं स्लिपर्स. लेट्स स्टार्ट विद केव नंबर वन. केव नंबर वन ना एक फाइनेस्ट केव है यहाँ की. यहाँ की सारी पेंटिंग्स जो हैं काफ़ी अच्छी हैं एंड ओनली ये वाला केव है जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स हैं. सीलिंग पे भी पेंटिंग्स हैं एंड वॉल्स पे भी पेंटिंग्स हैं. यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग भी है जो मोस्टली आपको बुक्स में देखने को मिलती है, वो ये वाली पेंटिंग है. ये वाली पेंटिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेड हो चुकी हैं अभी. इस केव में पेंटिंग्स के साथ साथ यहाँ पे पिलर पे भी आपको थोड़ी बहुत कार्विंग देखने को मिलेगी एंड मिड में ही यहाँ पे बुद्धा भी आपको देखने को मिलेंगे. केव नंबर टू इज़ समवॉट सिमिलर टू केव नंबर वन बट इस केव को केव नंबर वन से अलग बनाती हैं इस केव की सीलिंग पेंटिंग्स जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग हैं एज़ कम्पेयर टू केव नंबर वन एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी हैं. अब चलते हैं केव नंबर थ्री में. केव नंबर थ्री में कोई भी पेंटिंग नहीं है लेकिन आपको अंदर घुसते ही एक बड़ा सा हॉल मिलेगा एंड इस हॉल के मिड में ही आपको बहुत ही सुंदर स्कल्पचर देखने को मिलेगा लॉर्ड बुद्धा का जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है. लेट्स सी केव नंबर फोर. केव नंबर फोर अजंता का लार्जेस्ट विहारा केव बोला जाता है. इस केव का एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव एंड काफ़ी ज़्यादा कार्व्ड है. लेट्स सी केव नंबर सिक्स. केव नंबर सिक्स एक टू फ्लोर का केव है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको नीचे मिड में ये लॉर्ड बुद्धा का कार्विंग देखने को मिलेगा. उसी के बाद राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं. इस केव का मेन अट्रैक्शन सेकंड फ्लोर पे है ये छोटा छोटा बुद्धा का स्कल्पचर जो काफ़ी सुंदर एंड काफ़ी फाइनली कार्व्ड किए हुए हैं एंड मिड में ही यहाँ पर आपको एक बुद्धा का स्कल्पचर भी देखने को मिलेगा जो काफ़ी सुंदर है. लेट्स सी आर नेक्स्ट केव विच इज़ केव नंबर सेवन. केव नंबर सेवन के जो सीलिंग पेंटिंग्स हैं वो फुल्ली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं ऐसा बोला जाता है. इस केव के पिलर्स एंड प्लान दूसरे केव से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं. मेन अट्रैक्शन है ये मल्टीपल बुद्धा वाले कार्विंग्स जिनकी कार्विंग्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से की हुई है. केव नंबर एट एक अनफिनिश्ड केव है. यहाँ पे आपको पानी पीने और अपने बॉटल भरने के लिए यहाँ पे वाटर कूलर लगाया हुआ है. लेट्स सी केव नंबर टेन. केव नंबर टेन सबसे पहले डिस्कवर की गई थी. ये भी एक बहुत बड़ा चैत्य हॉल है जिसमें 39 पिलर्स हैं. इसमें भी मिड में एक स्तूपा है. इस केव की हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं ये पेंटिंग्स जो कि टू डिफरेंट पीरियड्स की हैं, एक सेकेंड सेंचुरी BC के एंड बाकी 4th century AD के. लेट्स
लेट्स सी केव नंबर 15। केव नंबर 15 में पेंटिंग्स नहीं है, यहाँ पे आपको एक मिनिएचर देखने को मिलेगा जो कि अजंता केव्स का एक बर्ड आई व्यू देता है, क्योंकि अजंता केव्स एक यू शेप में है। लेट्स सी केव नंबर 16। केव नंबर 16 एक लार्जेस्ट फाइनेस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग केव है, ये फेमस है अपनी पेंटिंग्स के लिए। इसके ही मिड में आपको एक बुद्धा का कार्विंग मिलता है जो काफ़ी सुंदर है। इस यहाँ पे बोला जाता है ये जो पेंटिंग्स हैं इसमें लॉर्ड बुद्धा के लाइफ के कुछ डिफरेंट एंड काफ़ी अच्छे एपिसोड्स को डिपिक्ट किया हुआ है। ये पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। आई वुड सजेस्ट दैट यू डू नॉट स्किप केव नंबर 16। लेट्स सी केव नंबर 17। केव नंबर 16 से सिमिलर है, एक्सेप्ट यहाँ पे ये जो पेंटिंग है इसको व्हील ऑफ लाइफ भी कहा जाता है और यहाँ के जो पिलर्स हैं वो ऑक्टागनल शेप में हैं। लेट्स सी केव नंबर 19। इस केव का एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड काफ़ी अच्छे से कार्व किया हुआ है। इस केव के बीच में स्तूपा है एंड उसके ऊपर कार्विंग लॉर्ड बुद्धा की हुई है एंड पूरी सीलिंग में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी कार्विंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट केव इज़ केव नंबर 20। केव नंबर 20 एक मोनेस्ट्री हॉल है, इसको बिल्ड किया गया था 5th century में। इस केव में जो सीलिंग पेंटिंग्स हैं वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं एंड मिड में ही यहाँ पे एक बुद्धा का स्कल्पचर है। लेट्स सी केव नंबर 21। केव नंबर 21 एक बड़ा सा हॉल है एंड इसके जो पिलर की कार्विंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर केव्स। जितनी भी केव्स यहाँ पे अजंता में हैं उससे अभी तक इस केव के जो पिलर्स हैं उसकी कार्विंग्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। लेट्स सी केव नंबर 24। केव नंबर 24 एक अनफिनिश्ड केव है, लेकिन इस केव के एंट्रेंस में जो है काफ़ी अच्छा सा कार्विंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखना चाहते हो कि वो लोग कैसे केव को बनाते थे तो यहाँ पे केव नंबर 24 में आपको अनफिनिश्ड स्कल्पचर देखने को मिलेंगे। लेट्स सी केव नंबर 25। ये भी एक मोनेस्ट्री हॉल है एंड इसमें अंदर कुछ भी नहीं है। And here is our final cave, which is cave number 26. Cave number 26 is somewhat similar to cave number 19. इस केव के जो वॉल पेंटिंग्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। इस केव को वर्शिप हॉल भी कहा जाता था। इस केव के मिड में स्तूपा है जिसमें लॉर्ड बुद्धा की कार्विंग है एंड इस केव की कार्विंग एज़ कम्पेयर टू केव नंबर 19 बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड काफ़ी ज़्यादा फाइनेस्ट कार्विंग है। इस केव का मेन अट्रैक्शन है ये स्लीपिंग बुद्धा का स्कल्पचर जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस पूरे केव में आपको कार्विंग्स ही कार्विंग्स मिलेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट एंड बहुत ज़्यादा सुंदर कार्विंग्स हैं। सो डोंट स्किप केव नंबर 26। केव नंबर 27 आगे का लैंडस्लाइड की वजह से सब बंद हो चुका है, सो केव नंबर 26 इज़ द लास्ट केव। अगर आपको बर्ड आई व्यू देखना है अजंता केव का तो आप अजंता व्यू पॉइंट पे भी जाके देख सकते हो। Here is the tour of MTDC Ajanta Cottage का। यहाँ पे दो MTDC हैं, एक फरदापुर में है एक अजंता में है। तो ये वाला है अजंता वाला। यहाँ पे कॉटेज में आपको एवरी कॉटेज के बाहर एक बालकनी है जिसमें झूला देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है एक डाइनिंग टेबल है, हॉल टाइप का है जिसमें एक डाइनिंग टेबल है। ऊपर जाके यहाँ पे बेड है, बेड का साइज भी काफ़ी डिसेंट है। अगर आप वेबसाइट पे देखते हो तो बड़ा छोटा सा दिखाते हैं वो, लेकिन यहाँ पे बेड अच्छा है, आराम से दो लोग सो सकते हैं। उसी के साथ सबसे अच्छी बात यह है ये कॉटेजेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन है जितना हमने सोचा था। हमें लगा था इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होगा। यहाँ पे फ्रिज भी है, एक कबर्ड है जिस पे फुल साइज़ का मिरर है एंड वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। दैट्स इट। इफ़ यू लाइक दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।